नमस्कार दोस्तों, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं साइंस टेक ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सब रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि हमारा पहला एप्लीकेशन सीखा था। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। इसमें हम सीखेंगे बेसिक कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं और डबल को स्ट्रिंग में वापस कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्क्रीन यानी कि मैं आपको पहले से, मेरे पास एक डेमो पड़ा है कैलकुलेटर का जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है हमारा सिंपल कैलकुलेटर, हम ऐसा कुछ बनाने वाले। तो मैं सबसे पहले दो टेक्स्ट बॉक्स फील्ड यूज़ किए, चार बटन्स यूज़ किए हुए एंड चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले टेक्स्ट फील्ड में 10 और 10 एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2 और एडिशन करते हैं तो देखिए आप आंसर आ रहा है 20, 10 प्लस 20। सब्ट्रैक्शन यानी 0, 10 माइनस 10, मल्टीप्लीकेशन 100 एंड डिवीजन 1। तो ऐसे आंसर आता है। अगर कोई ABCD लाइक न्यूमरिक कैरेक्टर की जगह कोई ऐसा कुछ डाल देता है तो आपको एरर आएगी कि प्लीज़ एंटर अ न्यूमरिक ओनली न्यूमरिक डिजिट्स। और जैसे ही आप वैल्यूज डालोगे उसका कैलकुलेशन आपको करके बता देगा। तो कुछ ऐसा कैलकुलेटर हम बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले हमारा एडिटर यानी कि स्काइट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। स्काइट एडिटर ओपन कर लिया, सबसे पहले हम हमारे 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा देंगे जो हम हर बार करवाते हैं हर एक प्रोग्राम के अंदर। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, इससे क्या स्विंग की स्विंग क्लास के अंदर स्विंग पैकेज के अंदर जितनी क्लासेस है वो सब इंपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद जावा डॉट AWD, इसके बाद इवेंट्स के लिए यानी बटन पे इवेंट करवाना है हमें तो उसके लिए भी हम एक इवेंट लाइब्रेरी इवेंट की पैकेज इंपोर्ट कर देंगे यानी सारे इवेंट्स अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक क्लास बना लेते हैं यानी मेन क्लास जिस क्लास के अंदर होगा वो। तो मैं क्लास का नाम दे देता हूँ कैलकुलेटर। इसके बाद हम मेन क्लास बना लेंगे यानी कि पब्लिक। मेन क्लास कैसे बनती है जावा में, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड इस ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट यानी स्ट्रिंग ARGS। इसके बाद अंदर हम कुछ भी अभी लिखेंगे नहीं, हम इसे सेव कर लेते हैं पहले। सेव हमेशा क्लास का नाम जो मेन क्लास जिस क्लास के अंदर हो वो क्लास का नाम से ही सेव करेंगे यानी कैलकुलेटर डॉट जावा। और इसे मैं सेव कर रहा हूँ हमारे डेस्कटॉप स्विंग फोल्डर के अंदर सेव। अब देख सकते हो कैलकुलेटर डॉट जावा और ना क्लास का नाम भी है कैलकुलेटर। तो अब हम नई क्लास बनाएंगे, सारा JFrame की कोडिंग उसके अंदर करने वाले हैं। तो चलिए नई क्लास बना लेते हैं यानी क्लास, इसका मैं नाम रखता हूँ कैलक्यू, इसका नाम क्या रखूँ मैं, वेट कैलक्यू रखते हैं कैल क्यू रख देते हैं बिकॉज मैंने ऑलरेडी पहले जब प्रैक्टिस कर रहा था तब मैंने कैल वो सब बना के रखा हुआ है, दैट्स व्हाई। चलिए कैलकुलेटर कैलक्यू सही है कैलक्यू। और इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे जैसे हम हर एक के लिए बना रहे कंस्ट्रक्टर। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। इसके बाद हम JFrame डिफाइन करेंगे यानी JFrame इक्वल टू न्यू JFrame और उसके ब्रैकेट में हम टाइटल डाल देंगे। टाइटल में मैं यहाँ लिखता हूँ कैलकुलेटर यानी फ्रेम का टाइटल। इसके बाद मैं कंटेनर बना लेता हूँ जिसमें हम सब कुछ ऐड करने वाले यानी कंटेनर कॉन इक्वल टू फ्रेम पर हमें कंटेंट पेन चाहिए यानी फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पेन। और जितने भी कंपोनेंट्स हम ऐड करेंगे वो सब कंटेनर के अंदर ऐड होंगे। उसे बेसिक से मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा अभी। फ्रेम डॉट सेट विजिबल क्योंकि बाई डिफॉल्ट वो इनविजिबल होती है। इसमें ट्रू पास कर दिया। फ्रेम डेट सॉट सेट बाउंड्स, बाउंड्स में सेट करता हूँ लेफ्ट से 150, टॉप से 90 एंड इसकी हाइट विथ मुझे 420 और 450 ताकि थोड़ा हाइट मुझे ज़्यादा चाहिए विथ से। फिर मैं फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट ऑपरेशन यानी क्लोज बटन पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जानी चाहिए वो प्रोग्राम हमारा उसी टाइम पर एग्जिट हो जाना चाहिए यानी सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। इसमें एक कॉन्स्टेंट JFrame क्लास का कॉन्स्टेंट का नाम है JFrame डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। तो पैन हम लेआउट नल कर देते यानी कॉन डॉट सेट लेआउट कंटेनर डॉट सेट लेआउट नल। इसके बाद बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते यानी कॉन डॉट सेट बैकग्राउंड एंड इसके ब्रैकेट के अंदर हम एक कॉन्स्टेंट पास करेंगे कलर क्लास का कलर डॉट येल्लो। इसे मैं पहले भी काफ़ी सिखा चुका हूँ डीप के अंदर, एक एक चीज़ें समझा चुका हूँ। इसके बाद हम उस क्लास को यहाँ से कॉल करेंगे यानी उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे उस क्लास का। तो कैलक्यू सी इक्वल टू न्यू कैलक्यू
एंड बस इस मेन क्लास के अंदर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, बस ये यहीं पूरी हो गई। अब जो भी करेंगे हम कैलकुल के अंदर करने वाले। चलिए रन करके बता देता हूँ। टूल्स कंपाइल एंड गो। अब देख लीजिए हमारी फ्रेम बन चुकी है येलो कलर, कैलकुलेटर एंड क्लोज भी हो रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लेबल्स चाहिए, सबसे पहले हमारा हेडिंग के लिए लेबल चाहिए। तो हम लेबल कैसे डिफाइन या ऊपर कर देते, यानी जे लेबल एल हेड यानी हेडिंग के लिए, फिर फर्स्ट नंबर के लिए एल नम वन, सेकेंड नंबर के लिए एल नम टू। इसके बाद आंसर प्रिंट करवाने के लिए भी मैं लेबल यूज़ कर रहा हूँ यानी आंसर, और एरर के लिए भी मैं लेबल यूज़ कर रहा हूँ। एरर यानी कि वो ए बी सी डी डालते ही कोई भी एरर आती है उसे, उसके लिए मैं ई आर आर यूज़ कर रहा हूँ। फिर टेक्स्ट फील्ड, मैं दो टेक्स्ट फील्ड यूज़ करने वाला हूँ, एक नंबर वन के लिए और एक नंबर टू के लिए, यानी टी नम वन टी नम टू, आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो। इसके बाद मैं चार बटन यूज़ करूँगा यानी जे बटन, एड, सब, मल एंड डिवीजन यानी डिव। मैं ये चार बटन यूज़ करने वाला हूँ। तो बस इतनी चीज़ें हम यूज़ करने वाली है पूरे कैलकुलेटर के प्रोग्राम में। तो अब चलिए शुरू करते हैं डिफाइन करने का, स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले हेडिंग डिफाइन करेंगे यानी एल हेड इक्वल टू न्यू जे लेबल, एंड इसके जे लेबल के अंदर हम कैलकुलेटर लिखेंगे यानी हमारा जो हेडिंग में लिखना है वो कैलकुलेटर। इसके बाद इसके बाउंड सेट करते हैं। बाउंड यानी ये मुझे सबसे ऊपर चाहिए हेडिंग, तो मैं बाउंड सेट करता हूँ इसके 130 इसकी विद, सॉरी हाइट, टॉप से 30, 20 और 30 विद। आई थिंक इतने में हो जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वापस चेंज कर देंगे यानी कॉन डॉट ऐड एंड कंटेनर में हमने लास्ट में हेडिंग ऐड कर दिया। इसके बाद मैं फॉन्ट्स बड़े कर दूंगा अभी से ही यानी फॉन्ट एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट। इसके अंदर तीन पैरामीटर्स आएंगे, फॉन्ट नेम, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। सबसे पहले फॉन्ट नेम यानी मैं टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर रहा हूँ यानी टाइम्स न्यू रोमन। इसके बाद कॉमा, फॉन्ट एक कॉन्स्टेंट यानी फॉन्ट डॉट बोल्ड, ये है स्टाइल फॉन्ट की, और साइज 30। इसके बाद इसको ऐड कर देते यानी एल हेड डॉट सेट फॉन्ट एंड अंदर एफ पास कर देंगे यानी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो। तो चलिए फॉन्ट सेट हो गया, देख लेते हैं हमारा हेडिंग बन चुका है कि हेडिंग आ चुका है यानी सही जगह पर। एंड गो जी, परफेक्ट है, कहीं से चेंज करने जैसा लग नहीं रहा है मुझे, बस परफेक्ट है। ये कैलकुलेटर हेडिंग हमारा आ गया है। अब हम बाकी के लेबल्स ऐड कर देते यानी नंबर वन के लिए, नंबर टू के लिए। तो एल नम वन जो मैंने नंबर वन के लिए लिया हुआ है इक्वल टू न्यू जे लेबल, न्यू जे लेबल, और इसके अंदर मैं एक लिख देता हूँ एंटर नंबर वन, एंटर नंबर वन। इसके बाद एल नम वन डॉट सेट बाउंड्स, हम बाउंड सेट कर लेते हैं, सेट बाउंड्स। एंड इसके बाउंड्स के अंदर मैं दे देता हूँ, इसके बाउंड्स 100 सही है, 90 ऊपर से 90, क्योंकि 30 और 30 60 और मैं 30 का डिफरेंस रखना चाहूँगा, सो 90। इसके बाद 100 इसकी विद रखते और 20 इसकी हाइट रखते, फिर इसको कंटेनर में ऐड कर देते यानी कॉन डॉट ऐड एल नम वन। चलिए देख लेते हैं हमारा सही जगह पे आया कि नहीं आया। कंपाइल एंड गो जी, परफेक्ट है हमारा से। अब इसके बाद नंबर टू ऐड कर देते नीचे इसके, उसका टॉप से पिक्सल्स और वो सब सेम ही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा तो हाइट। मैं सेम ही कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ आगे सिर्फ एल नम टू कर देता हूँ जो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ एल नंबर एंटर नंबर टू कर देता हूँ। चेंज करना है तो हमें सिर्फ आगे का ये तो चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 100 जो सेम टू सेम है रहने देना है, बस यहाँ से 130, क्योंकि 90 प्लस 20 110 ऊपर का जो देखे जाए तो, और 20 का मैं गैप रख रहा हूँ। गो, तो एंटर नंबर टू, दोनों परफेक्ट जगह पर आ चुके हैं। अब मैं टेक्स्ट फील्ड्स ऐड कर देता हूँ यानी दोनों टेक्स्ट फील्ड्स ऐड कर देते हैं हम। तो टेक्स्ट फील्ड्स के लिए मैंने उसका नाम दिया हुआ है टी नम वन टी नम टू, दोनों टेक्स्ट फील्ड्स के लिए। टी नम वन इक्वल टू न्यू जे जे टेक्स्ट फील्ड, वेट इसमें कुछ भी नहीं आएगा एक्चुअली, और ये टेक्स्ट फील्ड है टी एक्स टी एफ एल टेक्स्ट फील्ड, और टी नम वन अब सेट बाउंड्स कर लेते यानी टी नम वन सेट बाउंड्स। इसके बाउंड्स हम सेट करेंगे 220 बिकॉज 100 पे तो ऑलरेडी है ही, और 100 200 तो हो ही जाते हैं, 100 और 100 यानी हमने जो लेबल की लेफ्ट से पिक्सल और उसकी विद दी है 100 100, तो 200 हो गए। मैं 20 का गैप रखूँगा यानी 220,
फिर 90 सेम टू सेम, एल नम वन है तो मैं टी नम वन वही जगह पर रखूँगा, लेकिन मैं 93 रखूँगा, 3 पिक्सल बढ़ा दूँगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा है तो आपको पता चल जाएगा मैं 93 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे। और उसकी हाइट मैं रखता हूँ 18। इसके बाद मैं इसे कंटेनर में ऐड कर देता हूँ। सेम में एक और दूसरा बना लेता हूँ, टी नम टू एंड इसके बाउंड सेट कर देते हैं। इसकी हाइट होगी थोड़ी और नीचे कर देते हैं, यानी 133, क्योंकि ऊपर एल नम टू में था 130 दिए तो हमने 3 यहाँ बढ़ा दिया और बाकी का सब सेम रहेगा। तो चलिए दोनों टेक्स्ट फील्ड भी ऐड हो चुकी है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार रन करके। कंपाइल एंड रन, मैं इसे थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ। आप देख सकते हो हमारी टेक्स्ट फील्ड एकदम परफेक्ट आ चुकी है। तो अब बारी है बटन्स की, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दोनों चारों चार बटन्स ऐड करने हैं। तो चलिए बटन ऐड कर देते हैं। हाँ, बटन के लिए मैंने नाम दिए हुए ऐड सब एंड ऐड इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ एडिशन, लिख रहा हूँ उसका टेक्स्ट में दे रहा हूँ एडिशन। एंड ऐड डॉट सेट बाउंड्स, यानी उसके बाउंड सेट कर देते हैं। उसके बाउंड्स मैं रखूँगा 40, यानी लेफ्ट से 40, टॉप से मैं 190 रखूँगा, विद उसकी रखूँगा मैं 150 एंड 30 उसकी हाइट। देन कॉन डॉट ऐड अंदर, कॉन डॉट ऐड अंदर ऐड कर देते हैं। तो एक बटन हमारा कंप्लीट हो चुका। मैं आपको बता दूँ ये ऐड कंपाइल करके एंड रन, मैं थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ। आप देख सकते हो एडिशन नाम का बटन आ रहा है, यानी हमारा बटन आ चुका है। अब हम सब्ट्रैक्शन का बटन बना लेते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड सेम थोड़ा नीचे जाकर सब, यहाँ मैं सब लिख देता हूँ, सब सब सब, और अंदर टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन एंड इसकी जो लेफ्ट से पिक्सल है वो हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें वो एडिशन के बाजू में चाहिए। तो 190 प्लस 20, 150 उसकी विड्थ दी थी हमने एडिशन की और 40 उसकी हाइट, तो उस हिसाब से हमने सेट कर दिया। यहाँ आगे हाइट वही रहेगी सिर्फ। मैं इसे रिसाइज करता हूँ, आप देख सकते हो दोनों आजू बाजू में आ रहे हैं, बीच में 20 पिक्सल्स का गैप है। तो दोनों बटन आ चुके हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं इतना ही सिखाऊंगा, आगे के ट्यूटोरियल में हम बाकी सब सीख लेंगे, कैसे एक्सेल लिस्टनर और बाकी सब बटन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।